नमस्कार किसान मित्रों, खेती किसानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बोर वेल साफ करने का एक बहुत नायाब और आसान तरीका बताने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बोर वेल के गड्ढे में मिट्टी आ जाती है और उसके कारण हमें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण किसान वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है। और यदि इस नुकसान से बचना है तो बोरवेल मशीन को बुलाकर बोर को साफ कराना पड़ता है, जिससे हमारा खर्चा और जो बोरवेल मशीन आती जाती है उससे हमारी फसल को ख़राब होने का डर रहता है। आज हम आपको घरेलू उपचार, जो कि हम अपने ही संसाधनों से आपको करके बताने वाले हैं। ये हमारा खेत है, आप देख रहे हैं, और ये जो गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी जो बोरवेल के अंदर है, ये बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबसे पहले हमने हमारी जो 2.5 इंच की सिंचाई की लाइन है, उस 2.5 इंच की सिंचाई की लाइन से 2 इंच का ये पाइप जो हम अंदर डाल रहे हैं उसको ज्वाइंट किया, और उसको ज्वाइंट करने के बाद हमने इस 2 इंच की जो पाइप लाइन है उसमें 1 इंच का मुंह हमने लगाया है, जिससे प्रेशर बहुत अच्छा आ जाए। और जब हमारा प्रेशर बहुत अच्छा आ जाता है तो इससे हमारे जो बोरवेल के गड्ढे में जो मिट्टी और कंकड़ पत्थर छोटे छोटे जो अड़ जाते हैं, जिसके कारण पानी हमारा नहीं मिल पाता है हमें प्रॉपर, वो जो है बाहर आ जाते हैं, और धीरे धीरे ये पानी साफ़ होता चला जाता है और हमारा जो गड्ढा है वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। क्योंकि हमारे खेत में 100 फिट गहरा हमारा ये बोरवेल है, और हमने पहले सोचा था कि बोरवेल मशीन मंगा लें, लेकिन इसके बाद जब हमने अपना खुद का तरीका अपनाया तो हम यहाँ सफल होते दिखे। ये 2 इंच का पाइप जो हम अंदर डाल रहे हैं, लगभग 80 से 85 फिट जो है ये लंबा है, और हम इसको अंदर डाल रहे हैं। अभी हमने मोटर चालू नहीं की है, और यहाँ से हम जब इसको अंदर डालेंगे लगभग 60-65 फिट तक ये चला जा रहा है, क्योंकि 60-65 फिट तक पानी है और उसके बाद फिर मिट्टी जमी हुई थी, और ये जो मिट्टी जमी हुई थी इसके कारण हमको पानी की झिर नहीं मिल पा रही थी। ये इस तरीके से हम जो पाइप को अंदर डाल रहे हैं और उसका मुंह हमने 1 इंच का कर रखा है, इसका मतलब हमने 2.5 इंच के पानी को सीधा सीधा 1 इंच तक ले आए हैं, और जिससे हमारा जो पानी का प्रेशर है, जो दबाव है, वो बहुत तेज होने वाला है। और आप ये देखिए, इतना तेज प्रेशर का जो पानी है, हमें बार बार मोटर बंद भी करना पड़ी, और ये हम ऊपर नीचे इस पाइप को कर रहे हैं जिससे वो पानी का प्रेशर उस मिट्टी पे जाए और वो मिट्टी धीरे धीरे गले। तो देखिए आप कितना शानदार प्रेशर है, ये इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं ऊपर और नीचे बार बार करने से ये पानी का प्रेशर मिट्टी पर पड़ता है और मिट्टी धीरे 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 घुल करके और जो है हमको साफ पानी देने लगती है। ये देखिए धीरे धीरे ये पानी ऊपर आ रहा है और ऊपर आ गया है, और ऊपर नीचे करने से धीरे धीरे ये नीचे भी जा रहा है पाइप। जितना ये साफ होता जा रहा है मिट्टी, उतना ये पाइप और नीचे जाता जा रहा है। मिट्टी के कण, ये देखिए आप, मिट्टी के कण धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं इस मैले पानी से, मिट्टी भरे पानी से। यही पानी, यही मिट्टी हमको जो है, मिट्टी के छोटे छोटे कण निकल के आ रहे हैं, नहीं आने दे रही। यही कण जो है हमारे पानी पे व्यवधान देते हैं, जो बोर खींच रहे हैं। अब अलाव भाई साहब, वो अपने नाम में आप देख सकते हैं, ये पाइप अभी इतना अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि पानी के कारण नीचे नहीं जा रही, और जा रही के कारण जो है छोटे जब सफाई अभी मोटर ज्यादा नीचे नहीं उतर पा रही थी। इसको हम जब ऊपर नीचे बार बार प्रेशर के साथ करते हैं, ये धीरे धीरे धीरे, ये देखिए अभी इस जॉइंट तक जा रहा है। जॉइंट के नीचे जब हम और मेहनत करेंगे, ये गंदा पानी, मतलब ये मिट्टी वाला पानी जो है वो बाहर आ रहा है। अब ये जो मिट्टी वाला पानी जितना बाहर आएगा उतना ही हमारा जो बोरवेल का गड्ढा साफ होगा। धीरे धीरे पाइप और नीचे जाता जाएगा। किसान साथियों, ये जो हमारा प्रैक्टिकल था वो पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, और बिल्कुल ना के बराबर खर्चे में हमने ये हमारा बोरवेल का गड्ढा साफ कर लिया है,
हमें किसी प्रकार का बोरवेल मशीन का खर्च नहीं उठाना पड़ा, हमारी फसल को मचने से हमने बचा लिया। और ये देखिए आप कितने अच्छे तरीके से ये बोर साफ हो रहा है। धीरे धीरे ये हमारा जो पाइप है 80-85 फीट का पाइप है, ये धीरे धीरे और नीचे जाता जा रहा है। आप देखेंगे ये कितने अच्छे प्रेशर से पानी आ रहा है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये पानी अब साफ हो चुका है। आप पहले देख रहे थे कि ये मिट्टी वाला पानी था और ये पूरी तरह 80-85 फीट का पाइप हमारा नीचे भी जा चुका है और ये देखिए अब आपको साफ पानी दिखाई दे रहा है। किसान साथियों, हम आपको इसी प्रकार कम से कम खर्चे में और लगभग ना के बराबर खर्चे में आपको नए नए तरीके खेती किसानी के विषय में बताते हैं, क्योंकि ये समस्या हर किसी के साथ तो नहीं आती लेकिन अक्सर आ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने ये एक तरीका ढूंढा है जो कि हम इस तरीके से बोरवेल को साफ करने में हम सफल रहे। और आप भी कभी इस प्रकार की अगर समस्या आ जाए तो इसी तरीके से आप बोरवेल को साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये तरीके अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।